वेलकम आप सभी का तनु क्लासेस आर्ट को में। तो आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू सॉल्व करेंगे इकोनॉमिक्स एंड अर्थशास्त्र के। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा चुके हैं और आपको डायरेक्टली पूछे भी जाएंगे यहाँ से, ठीक है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सभी सेट को कवर करेंगे। ये आपका फर्स्ट सेट है, तो इस सेट के अंतर्गत जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू है वो सभी क्वेश्चन को आज हम लोग इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काफी सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वेस्टी अर्थशास्त्र अध्ययन है, यानी वेस्टी अर्थशास्त्र के बारे में हम लोग पढ़े हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो स्टडी कराता है किसका स्टडी कराता है, राष्ट्रीय आय का या फिर राष्ट्रीय उत्पादन का या फिर एक विशिष्ट फॉर्म का या फिर इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अ पार्टिकुलर फॉर्म, यानी एक विशिष्ट फॉर्म का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, वेस्टी अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। और राष्ट्रीय आय NI जिनको बोलते हैं, GDP, NNP, GNP ये सब का जो अध्ययन होता है, ये सब का जो स्टडी किया जाता है वो समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से किसमें निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग दैट इज को एक्जिस्टेंस ऑफ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, ठीक है। तो आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था या फिर समाजवादी या फिर पूंजीवादी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। यानी इकोनॉमिक यानी मिक्सड इकोनॉमी में क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों होता है, यानी दोनों मिलजुल करके क्या करते हैं, कामकाज करते हैं। और पूंजीवादी में ऐसा नहीं होता है, इसमें पूंजीवादी में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जाता है और समाजवादी में जो होता है इसमें वेलफेयर यानी जो समाज का सोसाइटी का वेलफेयर जो होता है, यानी कल्याण जो होता है, समाज कल्याण, उस पर ज्यादा जोर दिया जाता है समाजवादी अर्थव्यवस्था में, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन काफी सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि उत्पादन संभावना वक्र की अवधारणा जुड़ी है किसके साथ, जुड़ी है सैमुएलसन के साथ, मार्शल हिक्स या फिर रॉबिन्स। तो इसकी जो संभावना जुड़ी है ये सैमुएलसन के साथ जुड़ी है, किसके साथ, सैमुएलसन के साथ। इनकी संभावना सॉरी इसकी जो अवधारणा है उत्पादन संभावना वक्र का इसी के साथ जुड़ी हुई है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपका स्क्रीन पर, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में सेवा का उदाहरण है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ सर्विस, यानी सर्विस के बारे में पढ़े हैं, सेवा के बारे में पढ़े, चिकित्सकों के कार्य या फिर अध्यापकों के कार्य या फिर वकीलों के कार्य या फिर इनमें से सभी। तो बिल्कुल इसका इनमें से सभी हो जाएगा। चिकित्सा के कार्य जो होते हैं यानी वर्क्स ऑफ डॉक्टर एंड वर्क्स ऑफ टीचर्स एंड वर्क्स ऑफ लॉयर्स, यानी जो वकील, चिकित्सक और अध्यापक को अध्यापक के जो कार्य होते हैं ये सब कार्य क्या है, किसका उदाहरण है, सेवा यानी सर्विस का उदाहरण है। कहने का मतलब ये कि ये लोग किस में लगे हुए हैं, सेवा में लगे हुए हैं, ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष, क्वेश्चन काफी सिंपल है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नांकित में से कौन आर्थिक वस्तु है, ठीक है, विच वन इज इकोनॉमिक गुड इन द फॉलोइंग, ठीक है, टेलीविजन, हवा, सूर्य की रोशनी या फिर नदी का पानी। ये सारा चीज, ये सूर्य की रोशनी, नदी का पानी, हवा, ये आपका नेचुरल प्राकृतिक चीज है। ये टेलीविजन जो है मानव के द्वारा बनाया गया है अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। तो टेलीविजन क्या हो जाएगा, आर्थिक वस्तु यानी इकोनॉमिक गुड हो जाएगा, ठीक है। काफी सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये बिहार बोर्ड का एक मतलब ये होता है, खासियत होता है कि जो बिहार बोर्ड में होता है पिछला ईयर का क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ देते हैं, ठीक है, यानी एक ही क्वेश्चन बार बार भी पूछ देते हैं, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर का सेट, जितने भी सेट होते हैं वो सब सेट को कवर करना काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट की जाती है आप अभी सभी सेट को कवर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दुर्लभता की समस्या इसलिए है क्योंकि हमारे पास साधन सीमित है, असीमित है, पर्याप्त है या फिर बहुत ज्यादा है। दुर्लभता का मतलब होता है कमी, ठीक है, हमारे पास जो कमी है संसाधन की क्यों है, कौन सी समस्या के कारण, क्योंकि ये लिमिटेशन में है, लिमिटेड में है, ज्यादा नहीं है, यानी अनलिमिटेड नहीं है। अनलिमिटेड जैसे कि डेटा हम लोग यूज करते हैं ऐसा नहीं है, अनलिमिटेड तो मन चाहे यूज होता ना, लेकिन लिमिटेड है, तो लिमिटेड है तो ये कहीं ना कहीं खत्म होगा। तो इसलिए क्या है, दुर्लभता की समस्या है हमारे अर्थव्यवस्था में, ठीक है। तो सिक्योरिटी प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, स्कर्सिटी प्रॉब्लम अराइजेस बिकॉज और रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा सिक्स नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन आपका स्क्रीन पर, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को मूल आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ठीक है। विच टाइप ऑफ इकोनॉमी हैज द फेस द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है। तो बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या क्या होता है, जैसे कि गरीबी हो गया, किसका उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, रोजगार को कैसे बढ़ावा दिया जाए, लोगों को रोजगार कैसे मिले, गरीबी कैसे दूर हटाया जाए। तो ये सब जो समस्या होती है आर्थिक समस्या
होती है, यानी अर्थव्यवस्था की मूल समस्या होती है, मेन प्रॉब्लम होता है, बेसिक प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो किसी भी अर्थव्यवस्था के, किसी भी इकोनॉमिक के, चाहे वो पूंजीवादी हो, समाजवादी हो या फिर मिश्रित हो, ऐसा नहीं कि पूंजीवादी कोई तो देश फॉलो कर रहा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपना रहा तो वो देश में गरीबी हट जाएंगे, नहीं, उस देश में भी गरीबी है, चाहे वो समाजवादी हो या फिर मिश्रित। मिश्रित अर्थव्यवस्था को भारत अपना रहे हैं, भारत की असल अर्थव्यवस्था क्या है, मिश्रित है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो क्या यहाँ पूरी तरह से गरीबी हट गया? नहीं हटा, ठीक है। यहाँ भी अर्थव्यवस्था का मूल समस्या है, ठीक है। तो सभी अर्थव्यवस्था को आर्थिक अर्थ यानी मूल आर्थिक समस्या जो होता है, सभी अर्थव्यवस्था को उनका सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका स्क्रीन पर, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सभी आर्थिक समस्याओं के कारण क्या है, ठीक है। ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर ड्यू टू, यानी सभी आर्थिक समस्याएं होती है इसके क्या कारण है, क्या जर है, असीमित इच्छाएं यानी अनलिमिटेड वांट्स, हमारे पास असीमित इच्छाएं हैं, सीमित साधन है, और विभिन्न प्रधानता है। विभिन्न प्रधानता का मतलब होता है डिफरेंट प्रायोरिटीज, कोई मतलब संसाधन को ज़्यादा महत्व देता है, कोई नहीं देता है, कोई एक मतलब संसाधन एक काम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन का उपयोग करता है, कोई मतलब कम संसाधन का उपयोग करता है, ठीक है। यानी मान चलिए आपके पास संसाधन है, ये पानी क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। कोई आदमी क्या हुआ, जब मतलब नहाने के लिए गए तो वो लगभग 15 लीटर पानी खर्चा करता है, कोई आदमी 5 लीटर करता है, तो जो 5 लीटर खर्च किया तो वो समझता है, वो संसाधन की प्रधानता को समझता है कि ये जो है लिमिटेड में है, इसको ज़्यादा मतलब उपयोग नहीं करना चाहिए, आने वाले भविष्य को इनका मतलब कमी महसूस हो सकता है, ये 15 लीटर वाले इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये दोनों व्यक्ति जो है, ये दोनों व्यक्ति क्या करते हैं, प्रधानता देते हैं, या प्रधानता में भिन्नता पाई गई, ठीक है। कोई ज़्यादा मतलब महत्व देते, कोई नहीं देते, ठीक है। यानी ऐसे आराम के साथ कोई मतलब संसाधन का इस्तेमाल करते हैं, कोई ये मतलब सूझबूझ करके मतलब लिमिटेड में यूज़ करते, तो ये हो जाएगी क्या हो जाएगी, विभिन्न प्रधानता, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर जाएगा। ये सभी तीनों के कारण, ये तीनों कारण काफी इंपॉर्टेंट कारण है आर्थिक समस्याओं का, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका स्क्रीन पर, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन धन की विशेषता, यानी जो धन की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वेल्थ की यानी विशेषता होती, खूबी होती, वो क्या होती है, उपयोगिता, यूटिलिटी, बिल्कुल उपयोग कर सकते हैं धन को, सीमितता, बिल्कुल धन सीमित लिमिटेड में होता है, अपार धन तो रू ना किसी के पास, देश के पास भी अपार धन नहीं है, देश के पास है अपार धन तो कहीं ना कहीं तो लिमिटेशन लग जाएगा ना। अब बोलेंगे कि सर देश के पास तो बहुत ज़्यादा संसाधन है, बहुत ज़्यादा मतलब क्या है धन है, तो उनको काउंट करने के बाद कहीं तो आपको रुकना पड़ेगा ना, तो वहाँ तो बैरियर लगेगा, तो वहाँ तो लिमिटेशन लगेगा ना, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, सीमितता है, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा विनिमय साध्यता यानी एक्सचेंजेबिलिटी, यानी धन को हम किसी भी रूप में बदल सकते हैं, सोना चांदी के रूप में बदल सकते हैं, अगर सोना चांदी है तो उसको रुपये के रूप में, मुद्रा के रूप में बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, उसमें एक विनिमय साध्यता की गुण है, यानी एक्सचेंजेबिलिटी की गुण है, ठीक है। तो इनमें सभी यानी धन की जो विशेषता होती है, तीनों विशेषता होती है, उपयोग कर सकते हैं, सीमितता है और विनिमय साध्यता, ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर हो जाएगा 9th नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 आपका स्क्रीन पर, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या आप जानते हैं, क्या उत्पादन किया जाए, किसका उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, तो यहां आपको नहीं दिया है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन पूछ रहा है कि उत्पादन संभावना वक्र का जो ढाल गिरता है किधर से किधर गिरता है, ठीक है। तो इसका जो ये होता है स्लोप होता है, इसका स्लोप यानी ढाल जो गिरता है ये दाएं से बाएं, यानी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपका स्क्रीन पर, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है, अ कंट्री डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन, ठीक है। ये किस पर डिपेंड करता है, पूंजी संसाधन, बिल्कुल किसी देश का संसाधन, पूंजी अगर ज़्यादा होगा, पूंजी संसाधन ज़्यादा होगा, ज़्यादा विकास करेगा, बाजार का आकार ज़्यादा होगा, ज़्यादा सामान उत्पादन करेगा, ज़्यादा बिकेंगे, ज़्यादा विकास करेगा, प्राकृतिक खनिज ज़्यादा होगा और ज़्यादा विकास करेगा, तो ये तीनों के तीनों आर्थिक विकास जो होता है किसी भी देश का, ये तीनों के तीनों चीज़ पर डिपेंड करता है, तो ऑल ऑफ दिस यानी इनमें से सभी पर, ठीक है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 12th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर आपके समक्ष, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था को जो मूल उद्देश्य होता है, मेन एम जो होता है, मेन जो मोटो होता है, वो क्या होता है, लाभ अर्जित करना, गलाकाट प्रतियोगिता। गलाकाट प्रतियोगिता का मतलब ये हुआ कि मतलब कहीं पर अब आम जनता में किसी को ज़्यादा मतलब महत्व देना, किसी को कम देना, किसी को गरीबी यानी आर्थिक दृष्टि से किसी को ज़्यादा महत्व देना, किसी को कम देना, तो वो दोनों के बीच क्या हो जाएगा, वहाँ तरह से ये हो जाएगा, विरोध हो जाएगा, ठीक है। तो उसी को कहेंगे गलाकाट प्रतियोगिता, या फिर नियंत्रण मुक्त अव्यवस्था, या फिर अधिकतम लोक कल्याण, बिल्कुल अधिकतम लोक कल्याण, यानी लोगों का
का ज्यादा से ज्यादा भला हो, लोगों का ज्यादा से ज्यादा अच्छाई हो, ठीक है। तो ये समाजवादी अर्थव्यवस्था का मेन मकसद होता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपका स्क्रीन पर, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि उपभोक्ता व्यवहार पढ़ा जाता है, ये जो पढ़ा जाता है कंज्यूमर्स बिहेवियर इज स्टडीड इन, तो ये जो स्टडी किए जाते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, किसमें, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जिसको क्या बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपका स्क्रीन पर, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि उपयोगिता की माप की जा सकती है वस्तुओं की विनिमय द्वारा या फिर वस्तुओं की चमक द्वारा या फिर मुद्रा द्वारा या फिर इनमें से सभी। तो उपयोगिता की जो माप की जा सकती है वो बाय मनी यानी मुद्रा के द्वारा, यानी किसी वस्तु की उपयोगिता कितनी है, उस वस्तु की उपयोगिता अगर ज्यादा है तो उस वस्तु की मुद्रा यानी मनी जो होगा यानी ज्यादा होगा, ज्यादा मनी देकर के उस वस्तु को खरीदना पड़ेगा, ज्यादा मुद्रा देकर के उस वस्तु को खरीदना पड़ेगा। अगर किसी वस्तु की उपयोगिता कम है, कम इस्तेमाल होता है आपके दैनिक जीवन में, तो उस वस्तु की उपयोगिता भी कम होगी, उसका दाम भी कम होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये कि उपयोगिता जो नापी जाती है, मापी जाती है किसके किसके माध्यम से, मुद्रा के माध्यम से, यानी बाय मनी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे 15 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, गोसेन का प्रथम नियम आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, विच इज द फर्स्ट लॉ ऑफ गोसेन, ठीक है। तो गोसेन का जो प्रथम नियम है वो क्या है, सम सीमांत उपयोगिता नियम, सम सीमांत लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, ये गोसेन का प्रथम नियम है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपका स्क्रीन पर, सम सीमांत उपयोगिता नियम के प्रतिपादक कौन हो जाएंगे, गोसेन हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, सीमांत उपयोगिता की गणना हम कैसे करते हैं, सीमांत उपयोगिता की गणना हम लोग कैसे करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी को, तो ये जो कैलकुलेट करते हैं ये करते हैं डेल टी यू बाई डेल क्यू, कैसे, डेल टी यू बाई डेल क्यू। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, जब कुल उपयोगिता यानी टोटल यूटिलिटी अधिकतम होगा, इसका ग्राफ ऊपर भागेगा, तब सीमांत उपयोगिता एमयू का जो ग्राफ होगा क्या होगा, नीचे जाएगा, यह धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, शून्य होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एमयू का ग्राफ कब होगा, यानी क्या कंडीशन है, यानी कंडीशन क्या है कि टीयू का ग्राफ ऊपर जा रहा है, ठीक है, यानी उपयोगिता टीयू जो है कुल उपयोगिता अधिकतम हो रहा है, ठीक है। तो आपको एमयू पूछा गया है, तो एमयू जो होगा उस सिचुएशन में वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निगेटिव। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, आप लोगों से मैं बार बार विनती करने में भी हमको ठीक नहीं लगता है, अगर आप लाइक करते हैं तो हमको पढ़ाने में भी एक तरह से मनोबल मिलता है, और आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वीडियो मतलब डाला जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आप लोग से जुड़े रहने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, एक लाइक करने में आप लोगों को मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं लगता होगा, मतलब कुछ ही सेकेंड कुछ ही पल लगता होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन में 21, क्वेश्चन में 21 क्या पूछ रहा है कि भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है, ठीक है, भारत में विच इज नॉन एज द बैंक ऑफ बैंक्स, ठीक है। तो बैंक ऑफ बैंक किसको कहा जाता है, ये तो बार बार कवर करा चुका हूँ, आरबीआई को, भारतीय रिजर्व बैंक को, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में 22, निम्न में से कौन मुद्रा का प्राथमिक कार्य, यानी जो मेन फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन भी है, ठीक है, लेकिन आपको प्राइमरी फंक्शन यानी पहला जो काम है वो क्या है, तो मुद्रा का जो पहला काम है ना वो क्या है, सिंपल सी बात है, विनिमय का माध्यम, ये क्या करता है, विनिमय का माध्यम निर्माण करता है। विनिमय का माध्यम का मतलब होता है मीडियम, ठीक है, मीडियम का मतलब समझते हैं ना, यानी हवा को, यानी सॉरी बोली को, आवाज़ के तरंग को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए हवा जो है मीडियम का काम करता है, माध्यम का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ कि विनिमय यानी एक्सचेंज जो हो रहा है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो रहा है दो व्यक्ति के बीच, आदमी का यानी दो व्यक्ति के बीच वस्तु का जो अदला बदली होता है, यानी जिसको विनिमय एक्सचेंज बोलते हैं, तो ये अदला यानी बदलने यानी लेन देन का माहौल किसने बनाया, मीडियम किसने बनाया, मुद्रा ने बनाया। तो ये क्या है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। मूल्य का मापन, ये भी है मुद्रा का प्राथमिक कार्य, किसी भी चीज़ को खरीदने जाएंगे तो पहले आप मूल्य का मापन करेंगे, उसके बाद उसको खरीदेंगे। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 23, निम्न में से कौन सा मुद्रा का द्वितीय कार्य है, सेकेंडरी वर्क। तो द्वितीय कार्य क्या हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे मुद्रा मूल्य का स्थानांतरण, क्या मूल्य का स्थानांतरण, मूल्य का संचय, ये क्या है सेकेंडरी यानी फंक्शन है किसका, मनी का, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, मुद्रा कार्यों में सम्मिलित है, मुद्रा कार्यों में क्या क्या सम्मिलित है, मूल्य निर्धारण, मूल्य का संचय या फिर विनिमय का माध्यम या फिर उपयुक्त सभी। तो मुद्रा के कार्य तीनों भी होते हैं, मूल्य का निर्धारण यही
करता है, मूल्य का संचय भी होता है और विनिमय का माध्यम भी होता है। ऑल ऑफ दिस उपयुक्त सभी मुद्रा के कार्य हैं, तीनों के तीनों क्या है, मुद्रा के कार्य हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पर, आपके समक्ष क्वेश्चन काफी सिंपल है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है, यानी मुद्रा का कार्य नहीं है। मूल्य का मापन, बिल्कुल ये मुद्रा का कार्य है। मूल्य का हस्तांतरण, ये भी कार्य है। मूल्य का संचय, ये भी है। और मूल्य का स्थिरीकरण, ना ये कार्य नहीं है। किसी भी चीज को एक फिक्स पॉइंट में बनाए रखना, ये मुद्रा का कार्य नहीं है, ये मुद्रा के फंक्शन नहीं है। यानी स्टेबलाइजेशन ऑफ वैल्यू, यानी किसी भी वस्तु का वैल्यू, कीमत को एक पॉइंट पर बना रखना, एक जगह बना रखना, 10 रुपया है केजी तो 10 रुपया केजी ही रखना, ये चीज काम नहीं है, काम मुद्रा का नहीं है। वो ये जो है, ये मतलब वस्तु का कीमत जो होता है वो मार्केट पर डिपेंड करता है। अगर उस वस्तु का डिमांड ज्यादा होगा तो उस वस्तु का मूल्य भी ज्यादा होगा, कम होगा तो मूल्य कम, यानी कम डिमांड होगा तो मूल्य भी कम होगा। ठीक है, तो इस पर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन यानी बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, हो सके उसका कच्चा माल, उसको बनाने में कच्चा माल है या नहीं है। कच्चा माल अगर नहीं है तो उस फैक्टर उसका उत्पादन कम होगा, और कम उत्पादन होगा तो ज्यादा मतलब मूल्य में बेचा जाएगा। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिस पर डिपेंड करता है कि मूल्य क्या होगा नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26, भारत का सबसे बड़ा बैंक जो है वो क्या है, भारत का सबसे बड़ा जो बैंक है वो क्या। तो भारत का सबसे बड़ा बैंक हो जाएंगे बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, BOI। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया 26, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27, भारत में करेंसी नोट जो जारी करता है इसका कार्य कौन है, यानी करेंसी नोट जारी करने का मतलब जो काम होता है वो किसका होता है। तो करेंसी नोट जो जारी करता है वो कौन करता है, करेंसी नोट की बात की जाती है ना, तो करेंसी नोट जो जारी करता है RBI, यानी भारतीय रिजर्व बैंक, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, जस्ट अभी मैंने बोला 1 अप्रैल 1935, यहां आपको 1935 दिया है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखिए मौद्रिक नीति संबंधित है, मॉनेटरी पॉलिसी जो संबंधित है किससे संबंधित है, ठीक है, लोक व्यय कर या फिर ऋण, लोक ऋण या फिर खुला बाजार नीति। देखिए ये मौद्रिक नीति जो होता है ना, ये आरबीआई को, ये नीति को आरबीआई अपनाती है, और ये अपना करके ऋण और ऋण उसके बाद उपभोग और जो भी मतलब लेन देन होता है वो सारे चीज पर कंट्रोल बना करके रखता है। ठीक है, कौन, आरबीआई। ठीक है, तो मौद्रिक नीति संबंधित है, तो खुला बाजार नीति से, ओपन मार्केट ऑप्शन से ये संबंधित है, ओपन मार्केट ऑप्शन से यानी ऑपरेशन या फिर ऑप्शन ऑपरेशन से ये संबंधित है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है। तो ये एक प्रकार का वाणिज्यिक बैंक है, कॉमर्शियल बैंक क्या है, कॉमर्शियल बैंक है। कहने का मतलब ये कि वाणिज्यिक बैंक जो है सेंट्रल बैंक है, क्या है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वाणिज्यिक बैंक है। तो इसको भी अगर ऋण का अगर कमी पड़ता है, इनके भी पास अगर पैसे कमी हो जाते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पास, तो ये कहाँ जाएंगे ऋण लेने के लिए, आरबीआई के पास। किसके पास, आरबीआई के पास, क्योंकि आप पढ़े हैं कि आरबीआई जो होता है वो सभी वाणिज्यिक बैंक का संचालन करती है, सभी वाणिज्यिक बैंक यानी कॉमर्शियल बैंक को ऋण यानी लोन प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन का। 31 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1, आपको ये फॉर्मूला बताया गया था, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, प्लस कर देंगे दोनों को तो इज इक्वल टू फाइनल जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 30 काफी सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कितना हो जाएगा 32, एपीसी प्लस एपीएस आपको बताया गया था, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, तो ये दोनों जो दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो फाइनली 1 निकलता है, कितना निकलता है, 1 निकलता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी में आपका 1 दिया गया है। अब देखिए एमपीसी का मान पूछा जा रहा है, तो एमपीसी का मान 0 से लेके 1 से अधिक कम, 0 से अधिक 1 से कम होता है। ठीक है, यानी 0 से लेके 1 के बीच होता है एमपीसी का मान। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में कितना पूछा गया, 34, NNP at market price, तो NNP net national product market price पर आपको निकालना है, यानी बाजार कीमत पर आपको निकालना है। ठीक है, तो ये जो NNP होते हैं market price पर, वो होते हैं GNP घटा GNP at market price घटा हरास कर देते, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर काफी सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 35, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन एक सही है, मतलब कौन सही है, तो ये सही हो जाएंगे, यानी के बराबर 1/1 MPC, सॉरी ये हो जाएंगे, ये ऑप्शन बी में जो दिया है, क्योंकि एमपीसी होता तब यहाँ एमपीएस दिया आपका। ठीक है, यानी के बराबर 1/1 MPC भी है और के बराबर 1/MPS भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि 1-MPC इज इक्वल टू MPS होता। ठीक है, यह भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप क्वेश्चन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा एक सही है,
सही सही कौन है, तो तीनों के तीनों सही है, ठीक है, तीनों के तीनों जो है सही है, C+S बराबर C+I, ठीक है, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37 आपके स्क्रीन पर, प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, मैं दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से। 37 में कहा जा रहा है कि अर्थशास्त्र का पिता किसको कहते हैं, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन में कितना हो जाएगा 38, निम्न में से कौन उत्पादन का घटक है, उत्पादन का घटक तीनों है, भूमि के माध्यम से भी उत्पादन होता है, पूंजी लगाकर ही उत्पादन किया जाता है, और श्रम शक्ति का पालन करते हैं, श्रम शक्ति खर्च करके ही उत्पादन किया जाता है, तो तीनों के तीनों उत्पादन का क्या है, घटक है, यानी कंपोनेंट्स है, ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39, प्रत्यक्ष कर क्या है, प्रत्यक्ष कर यानी प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स के बारे में आपको पढ़ाया गया था, तो प्रत्यक्ष कर ये दोनों हो जाएंगे, आयकर और उपहार कर यानी इनकम और गिफ्ट टैक्स, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ए और सी दोनों, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40 आपका स्क्रीन पर, आपके समक्ष क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष कर है, तो अप्रत्यक्ष कर ये है आपका, पढ़े जस्ट अभी, ये हो जाएगा बिक्री कर जो है अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से आपको सभी सेट को कवर करना है, कोई भी सेट आपसे ना छूटे, यहाँ जितने भी क्वेश्चन कवर किए गए वो सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, और बोर्ड एग्जाम में ऐसा होता है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को सेम टू सेम उठा के पूछ देता है, सेम टू सेम, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप कोई भी क्वेश्चन को मिस नहीं करेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे, ठीक है। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज कर दें, अपने दोस्तों में एक बार जमकर के शेयर कर देंगे, और एक तरह से चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल पर पूरी तरह से आपको पढ़ाई जाती है, पूरी तरह से आपको तैयारी कराई जाती है, ठीक है। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।